हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि कैसे पता करें गलतियां हैं हमारे नीट एप्लीकेशन फॉर्म में या नहीं है, तो वो कैसे पता करें। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन बॉक्स में उसकी लिंक आ रही है, अभी वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो उस पर मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या स्टूडेंट्स करते हैं अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप उन्हें एक बार चेक कर लें कि आपने आपकी वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, कॉमन मिस्टेक्स डन बाय कैंडिडेट्स वाइल फिलिंग नीट एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑफन दे सबमिट फर्स्ट ऑफ ऑल इनकरेक्ट ईमेल आईडी एंड करेक्ट मोबाइल नंबर। आप क्या करते हैं, ईमेल आईडी गलत हो जाती है और मोबाइल नंबर आप सही डालते हैं जल्दबाजी में, और कुछ होता नहीं। अगर आप कैफ़े से भरते हैं तो फिर वहाँ थोड़ी प्रेशर रहता है जल्दी जल्दी करने का, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। आप कुछ वर्ड्स में दिक्कत हो जाती है, आपको करना कुछ नहीं, आपको बस लॉगिन करना है अपना नीट के पोर्टल में और वहाँ पर बस चेक करते जाना है, क्योंकि अगर करेक्शन विंडो खुली है तो एक बार चेक कर लेना ही बेहतर है बाद में किसी प्रॉब्लम से लेके। वैसे NTA किसी को ऐसा नहीं करेगा कि एग्ज़ाम नहीं देने देगा, ये जो प्रॉब्लम्स आती है काउंसलिंग के टाइम पर आती हैं सारी, जो भी अगर आप गलत कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो आप कुछ मत करिए। ये एक पर्सनली मेरी आप सबको राय है, आप लॉगिन करके एक बार ज़रूर अपने क्रेडेंशियल्स, अपने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक बार चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। दूसरा क्या करता है, ईमेल आईडी सही डाल देते हैं, मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं। थर्ड वन इज़ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बोथ इनकरेक्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट खाली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लेकर था, अगर आप एक बार इन्हें चेक कर ले तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। सेकेंड वन इज़ वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दे कमिट मिस्टेक बाय फिलिंग देयर कैटेगरी एज यू आर इन प्लेस ऑफ SC। कैटेगरी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। ज़्यादातर ऐसा होता है उनके पेरेंट्स को पता रहता है कि हमारा उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, बनवाया है नहीं बनवाया है, तो एक बार ढंग से पता करके आप एक बार बस आपको करना कुछ नहीं है, बस चेक करना है। अगर गलत है तो उसे रेक्टिफाई कर ले, विंडो खुली हुई है और ये वन टाइम करेक्शन होगी खाली, इसके बाद नहीं होगी। थर्ड वन इज सिमिलरली वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफन दे इंटरचेंज द पेरेंट्स नेम, दैट इज मदर नेम हैज़ बीन मैंशनड इन फादर्स नेम एंड फादर्स नेम इज मैंशनड इन प्लेस ऑफ मदर्स नेम। सो गाइज, होता क्या है, लोग मदर्स का नेम डाल देते हैं फादर्स नेम के कॉलम में और फादर का नेम डाल देते हैं मदर्स नेम के कॉलम में। तो ये कुछ कॉमन तीन ये तो मोस्ट कॉमन गलती है कि ये बच्चे कर देते हैं अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में। आपको लगता है कि आपने सही कर रखा है, बट प्लीज़ आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे इससे बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपने इस वीडियो की पहली सीरीज़ पहला पार्ट उसे आप बोल सकते हैं नहीं देखा तो उसे देख लें कि क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं, कैसे पता चलेगा, और ऊपर फीलिंग आ रही होगी। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।